हमारी जिंदगी में बहुत सारे दुख कानूनों के कारण है। जो कानून बने हैं वो ऐसे बने हैं कि 100 में से 90 आदमी जानवरों की जिंदगी जिए, वो इंसान की जिंदगी ना जीने पाए। कानून जब तक नहीं बदलेंगे सुधार नहीं होगा। हम अपने आप को बदल सकते हैं। आज हम बताएंगे भी कि हमें अपने आप के अंदर क्या बदलाव करना है, क्या सुधार करना है, लेकिन कानून भी बदलने पड़ेंगे। और कानून पार्लियामेंट में बदले जाते हैं। कानून बदलने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि कानून जो बनाने वाले हैं MP MLA प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, इन लोगों को रिश्वत में इतना पैसा दे दीजिए, इतना पैसा जितना वो मांगे उतना पैसा दे के उनको खरीद लीजिए, अब कानून बनवा लीजिए। ये जो अंबानी अडानी हैं इसी तरीके के इस्तेमाल करते हैं। वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को खरीद लेते हैं। अब बोलते हैं बताओ तुम कितना मांगते हो, कितना पैसा तेरे को चाहिए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री MP MLA बिक जाते हैं, पार्टियों के अध्यक्ष बिक जाते हैं। वो लोग इसी तरीके से अपने मर्जी का कानून बनवाते हैं। दूसरा तरीका कौन अपनाते हैं? आतंकवादी लोग, उग्रवादी। उग्रवादी लोग कहते हैं कि ये कानून नहीं बनाओगे तो हम बहुत लोगों को मार डालेंगे, तेरे को भी मार डालेंगे, गोली मार देंगे। तो उग्रवादियों से डर के भी कानून बदलते हैं। और तीसरा तरीका है वोट। तीसरा तरीका है कि MP MLA बनिए, अपनी संगठन के लोग ऐसा कानून की मांग करने वाले पार्लियामेंट में जाएं, विधानसभा में जाएं और वहां जाके कानून बदले। ये 3 तरीके हैं। अब पहला तरीका हम लोग अपना सकते हैं क्या? क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम प्रधानमंत्री को खरीद लें? हो सकता आने वाले दिन में ऐसा हो जाए। जब सारे वोटर 10 रुपया देने लग जाएंगे रोज, तो ऐसा हो सकता हो जाए जो अंबानी अडानी अरबपति लोग आज MP MLA खरीद रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री खरीद रहे हैं, वो हो सकता हम लोग खरीद रहे हैं, अगर 10 रुपया सब लोग रोज देने की कसम खा लिए तो। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक तो एक ही उपाय है कि अपने MP MLA जाएं और कानून बदलें। लेकिन MP MLA कैसे जाएंगे अगर उनको वोट नहीं मिलेगी? अगर वोट नहीं मिलेगी तो अपना MP अपना MLA जीतेगा कैसे? जीतेगा ही नहीं। और जब जीतेगा नहीं तो जाएगा नहीं, जाएगा नहीं तो कानून बदलेगा नहीं। इसलिए वोट की कीमत को समझना चाहिए। आज की ये ट्रेनिंग इसी विषय पर है। हम लोग बहुत कीमत इसकी समझते नहीं है। मैंने 3 तरीके बताए, परिवर्तन के 3 उपाय, वोट, क्रांति और क्रय। 3 तरीके बताए। इनमें से हम वोट वाला रास्ते पर चलेंगे, उग्रवाद के रास्ते पर नहीं चलेंगे, क्योंकि उग्रवाद के रास्ते पर जो लोग चले बहुत दिनों तक कामयाब नहीं हुए, वो रास्ता हमारा नहीं है। इसलिए वोट की कीमत को समझें। वोट की कीमत का मतलब है, यह जानना जरूरी है कि वोट एक मांग पत्र है। आप ज्ञापन देते हो ना गुवाहाटी में जाके, मेमोरेंडम पकड़ाते हो ना गवर्नमेंट को कि साहब ये मेरी मांग मानो, गुवाहाटी में आप धरना प्रदर्शन करते हो। वोट एक मेमोरेंडम है, आपकी पार्टी को जितनी वोट मिलती है सरकार ये मानती है कि पार्टी के मांग को इतने लोग समर्थन कर रहे हैं। रैली में 3 लाख आदमी आए लेकिन वोट 1 लाख मिला, तो सरकार 3 लाख नहीं मानेगी। सरकार कहेगी कि 1 लाख आदमी वोटरशिप का अधिकार मांग रहे हैं, 1 लाख आदमी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान की एक सरकार मांग रहे हैं, 1 लाख आदमी धरती की एक सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं। 1 लाख जितनी वोट मिलती है सरकार उतने मांगती है। इसलिए अगर हमारी मांग सरकार ध्यान दे, सरकार का ध्यान खींचा जाए, तो जरूरी है कि अपनी पार्टी को वोट मिलनी चाहिए। ये मांग पत्र है, मेमोरेंडम है। और दूसरी बात, वोट की काउंटिंग होती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम लोग अपनी पार्टी को वोट क्यों दें, हमारा तो कैंडिडेट इस बार जीतेगा नहीं, अगली बार जीतेगा तो अगली बार 5 साल बाद वोट देंगे, अगले साल, अगले 5 साल बाद, अगले 5 साल बाद, अगले 5 साल बाद, अगले 5 साल बाद, यही बात कहते 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 उम्र गुजर जाएगी, कब देंगे?
वोट जिताने के लिए नहीं होती, वोट गिनाने के लिए, काउंटिंग कराने के लिए होती है। काउंटिंग, अगर आप वोट नहीं दोगे तो काउंटिंग कैसे होगी? ये कैसे पता चलेगा कि कितने आदमी 8,000 रुपए मांग रहे हैं, वोटरशिप का अधिकार मांग रहे हैं, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एक करने की बात कर रहे हैं, कितने लोग हैं? वोट से तो पता चलता। इसलिए गलतफहमी है कि जब हमारा आदमी जीतना होगा तभी ये वोट देगा, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारा आदमी जीते चाहे हारे, अगर वोट जाएगी तो वोट गिनी जाएगी, काउंटिंग होगी, हमें काउंटिंग के लिए वोट देना चाहिए। एक और बात, चुनाव जीते जाते हैं 5 करोड़ में, आपने खर्चा किया 1,50,000, कैसे जीतोगे? अब ये जो 5 करोड़ खर्चा करने वाले हैं, 10 करोड़ खर्चा करने वाले हैं, ये पार्टी से क्यों नहीं जुड़ते मालूम? वो देखते हैं कि इस पार्टी के प्रत्याशियों को कितनी वोट मिली थी। अगर पार्टी को 20,000 वोट मिल जाए तो वो जो पैसे वाले हैं जो 5 करोड़ इलेक्शन में खर्चा करते हैं वो जुड़ जाएंगे कि 20,000 तो इनकी वोट रही है, बाकी मैं पैसा खर्चा करके बढ़ा लूंगा, इलेक्शन जीत लूंगा। वो इसलिए नहीं आते। जब आप ये कहते हैं कि हमारी जब कैंडिडेट जीतना होगा तब वोट देंगे, इस बार तो अपनी जाति वाली पार्टी को दे दें, इस बार अपने धर्म वाली पार्टी को दे दें, जब आप ऐसा सोचते हो तो जानते हो क्या होता है, वो जो चुनाव जीतने की काबिलियत रखने वाला आदमी है वो पार्टी से जुड़ता नहीं। आज कांग्रेस वाले बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? वोट देखते हैं, अरे बीजेपी का आदमी हार तो गया लेकिन 60,000 वोट पाया है, तो कांग्रेस वाले बीजेपी में चले जाते हैं। जो हार जाता है लेकिन वोट ज्यादा होती है, ये चुनाव जीतने वाले 5 करोड़ रुपया वाले वहीं चले जाते हैं। हमारे लोग वोट नहीं देते, अगली बार देंगे, अगले इलेक्शन में देंगे, अगले 5 साल बाद देंगे, फिर 5 साल बाद देंगे, ऐसे करते करते जिंदगी चली जाएगी। हमारा प्रत्याशी हारे चाहे जीते, अगर 50,000 वोट मिल गया ना तो ये जो टेलीविजन वाले हैं, अखबार वाले हैं, ये खबर देना शुरू कर देंगे, ये जान जाएंगे कि इस पार्टी के साथ जनता खड़ी है। आज हमारी कोई खबर आ रही है, इतने आदमी 800 आदमी यहां आए, आप लोग बैठे, कहीं खबर छपी? क्यों नहीं छपी? केवल 100 आदमी बीजेपी के बैठे हो, 50 आदमी तो बड़ी बड़ी खबर छपेगी। क्यों नहीं छपता? क्योंकि वो देखते हैं कि वोटर्स पार्टी को वोट नहीं मिलती, वोट मिलेगी तो खबर छपेगी, वोट नहीं मिलेगी तो खबर नहीं छपेगी। वोट से खबर छपती है, यानी वोट से खबर छपती है, वोट से मजबूत आदमी पार्टी से जुड़ते हैं, वोट की काउंटिंग होती है, ज्यादा वोट मिलती है तो पार्टी मजबूत होती है। वोट हमारा मांग पत्र है, हमारा मेमोरेंडम है। बच्चा मां से दूध नहीं मांगेगा और रोएगा भी नहीं, तो मां को कैसे पता चलेगा कि बच्चे को दूध चाहिए? ये जो वोट है ये रोना है, रोना हमें चाहिए। और वोट मिलने से सरकार की सोच बदलती है, गवर्नमेंट सोचने लगती है कि इस पार्टी को वोट मिल रही है, ये बात माननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल माननी पड़ेगी। अगर वोटर्स पार्टी को हर इलेक्शन में हर प्रत्याशी को 50,000 वोट मिलने लग जाए तो जानते क्या होगा? सरकार सोचने लगी कि यार पैसा देना पड़ेगा। अंबानी अडानी कहेंगे वोटरों को पैसा मत दो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहेंगे अगर वोटरों को पैसा नहीं देंगे तो हमारी कुर्सी गई। अब अंबानी अडानी कहेंगे तेरी कुर्सी हम बचाएंगे ना, मीडिया में झूठ बोलेंगे, टेलीविजन में झूठ बोलेंगे, बंदर नहीं हनुमान है, झूठ बोलेंगे, वोट मिलेगी। लेकिन वो कहेगा देखो वोटर्स पार्टी को इतनी वोट मिल रही है, अब हम जीतने वाले नहीं है, तुम्हारे मीडिया में झूठ बोलने से हम नहीं जीतेंगे। वोट से तय होती है, सरकार सोच बदलती है, दिमाग बदलता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलती है वोट से। आपकी पार्टी को अगर वोट मिल रही है तो जो रूलिंग पार्टी है उसकी सोच बदलेगी, उसकी नीति बदलेगी, उसकी पॉलिसी चेंज होगी, और वोट से इलेक्शन कमीशन में मान्यता मिलती है। ये भी जानना चाहिए आप, अगर वोटर्स पार्टी के सारे प्रत्याशी हार जाएं लेकिन 100 में से 6 वोट मिल जाए पूरे प्रदेश में, ये नहीं कि एक चुनाव क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, तो प्रदेश में इलेक्शन कमीशन पार्टी को मान्यता दे देता है। मान्यता का क्या मतलब? गैस सिलेंडर पक्का, फिर किसी को गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। आज गैस सिलेंडर मिलता है
लेकिन अगर दूसरा निर्दलीय आदमी जहां हमारा प्रत्याशी नहीं है, वोटर्स पार्टी का नहीं है, उसने गैस सिलेंडर मांग लिया तो उसको भी मिल जाता। अगर 6% वोट मिल गई 100 में से 6 वोट, तो ये गैस सिलेंडर पक्का हो जाएगा, फिर दूसरे को इलेक्शन कमीशन नहीं देगा। इसको कहते हैं पार्टी को मान्यता, रिकॉग्निशन ऑफ पार्टी बाय इलेक्शन कमीशन। और अगर वोट मिलती है तो हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की हिम्मत बढ़ती है कि इस बार हमने 50,000 हासिल किया है, 80,000 में तो इलेक्शन जीता जाता है, अगली बार तो हम 80,000 हासिल कर लेंगे। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। अगर वोट कम मिलती है तो मनोबल गिरता है। कार्यकर्ता की हिम्मत बढ़ेगी तो पार्टी आगे जाएगी, कार्यकर्ता की हिम्मत घटेगी तो पार्टी पीछे जाएगी। इसी तरीके से जिस इलाके में वोट मिलती है 50,000 वोट मिल जाए तो आपका ब्लॉक प्रेसिडेंट, जिला प्रेसिडेंट जहां जाएगा ना तो ये पुलिस वाले सलूट करेंगे। सर, सारे पुलिस वाले अधिकारी सलूट करने लग जाएंगे कि साहब 50,000 वोट वाली पार्टी का अध्यक्ष आ रहा, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष आ रहा, कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाएंगे। क्यों? उन्हें मालूम है 50,000 पा गया अगली बार जीतेगा जरूर, इसी की गुलामी करनी पड़ेगी। भाई आज ही गुलामी कर लो, आज ही कर लो। ये पुलिस वाले जो आज आपको धमकाते हैं, ये कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाएंगे, सलूट मारेंगे। सर, वोट से होता है, आपके सारे आदमी हार जाएं, इलेक्शन एक भी प्रत्याशी न जीते, 50,000 वोट एक प्रत्याशी को मिल गई तो पुलिस वाला सलूट मारना शुरू कर देता है। वोटर्स पार्टी को हर जगह 50,000 वोट मिलने लगी तो दूसरी पार्टी वाले लार टपकाएंगे, मेरे साथ गठबंधन कर लो, मेरे साथ मिलके इलेक्शन लड़ो, आप भी जीत जाओ हम भी जीत जाए, हाथ जोड़ते हैं। दूसरी पार्टी वाले गिड़गिड़ाने लगेंगे, चाहे आपके सब आदमी हार जाए कोई बात नहीं, प्रत्याशी हार जाए लेकिन 50,000 वोट मिल गई तो दूसरी पार्टी वाले गिड़गिड़ाएंगे आपसे मिलके इलेक्शन लड़ने के, कि कुछ जगह आप लड़ लीजिए, जीत लीजिए, और आपके आदमी कुछ हमें सपोर्ट कर दें, वहां हमारे जीत जाए, हम दोनों मिलके सरकार, ऐसा कहेंगे। अगर वोट नहीं मिलेगी तो दूसरी पार्टी वाले बात नहीं करेंगे। इसलिए वोट की कीमत है। जब वोट मिलती है तो व्यापारी लोग भी जुड़ते हैं, ये धंधा बिजनेस करने वाले। आज हमारी पार्टी को कोई चंदा नहीं देता। चंदा क्यों नहीं देता? वो कहते हैं आप तो वोटरों को अमीर बनाने की बात कर रहे हो, आप तो व्यापारियों को अमीर बनाने की बात करो तो हम चंदा दें। लेकिन अगर 50,000 वोट मिलने लग जाए इलेक्शन में हर सीट पर, जानते हो क्या होगा? जितने पैसे वाले हैं घेर घेर करे, भैया जरा हमसे भी चंदा ले लो, 1,00,000 हमसे ले लो, 5,00,000 हमसे ले लो, घेर के चंदा देंगे। आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को ढूंढेंगे, ब्लॉक प्रेसिडेंट को ढूंढेंगे, भैया कहां गए, अरे हमसे भी कुछ ले लो, हमने क्या बिगाड़ा है, कुछ हमारी भी मदद ले लो, घेर घेर के चंदा देंगे। और आज आप घेरो एक ढेला नहीं देंगे। ये वोट से तय होता है, वोट से। वोट मिलेगी तो चंदा मिलेगा, वोट नहीं मिलेगी चंदा नहीं मिलेगा। वोट का तरीका क्या है? पहला इलेक्शन पार्टी लड़ती है हारने के लिए। पहले इलेक्शन में हर पार्टी हारती है, हारती ही है। कोई नई पार्टी आती है तो पहली बार जीतती नहीं है, हारती। अब जब दूसरा इलेक्शन लड़ती है तब हराती है। जो पावर में रहेगा उसको हरा देगी, खुद तो नहीं जीतेगी लेकिन जो पावर में रहेगा उसको हरा देगी दूसरा इलेक्शन। और तीसरा इलेक्शन, तीसरा इलेक्शन में सारे कैंडिडेट जीत जाते हैं। ये 3 बार इलेक्शन लड़ना पड़ता है, हर पार्टी को लड़ना पड़ता है। भाजपा को देखिए कितने बार लड़ी, 300 तो नहीं 2500 बार इलेक्शन भाजपा लड़ी, सब जाके आज पावर पहुंची। और क्षेत्रीय पार्टियों को पता करिए, सब ऐसे ही करते हैं, सबको पहले हारना पड़ता है। हारने से डरना नहीं चाहिए, हारने से नहीं डरना चाहिए। बताइए अभी मोदी जी आए और कहें कि 700 रुपया देना पड़ेगा हमें सुनने के लिए आओ, तो मोदी को सुनने के लिए कोई 700 रुपया देगा? अमित शाह को देगा? आसाम के मुख्यमंत्री आए तो कोई 700 रुपया देगा? यहां क्यों आए? ये क्या खबर नहीं है? ये समाचार नहीं है? है लेकिन छपेगा नहीं। क्यों? आप गरीबों के लिए काम करते हो। अमीरों के लिए काम करोगे तो खबर छपेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए काम करोगे तो खबर छपेगी। पैसे वालों के लिए काम करोगे तो खबर छपेगी। धनवान लोगों के लिए काम करोगे तो खबर, गरीबों के लिए काम करोगे तो खबर नहीं छपेगी। ना कोई टीवी, ना कोई अखबार, ठप। सारा समाज गरीबों के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों का राज चल रहा है, माइनॉरिटीज रूल, माइनॉरिटीज का रूल चल रहा है।
माइनॉरिटी अमीर, और अगर आपकी पार्टी को 50,000 वोट मिलने लगी ना हर जगह, तो आपके ज़िला प्रेसिडेंट जब कहीं निकलेंगे तो पुलिस की गाड़ी पीछे पीछे जाएगी, अरे भाई आपको कोई नुकसान ना हो जाए। जैसे हम आते हैं ना तो पुलिस की गाड़ी आती है ना पीछे पीछे, जैसे हमारे लिए होती है, हर जिला के प्रेसिडेंट के लिए पुलिस की गाड़ी लग जाए सुरक्षा के लिए, भाई आपको कोई नुकसान ना हो, कोई चोट न पहुंचा दे, कोई बात न कर दे, पुलिस वाले हरकत में आपकी सुरक्षा में घूमने लग जाएंगे चारों तरफ अगर वोट मिलेगी। अब वोट नहीं मिलेगी तो मार दिया जाए, मर जाओ, कट जाओ, कौन पूछता है? मुर्गा हो, बकरा हो, बैल हो, कौन पूछता है? पुलिस वाला कहे कि भाड़ में जाए, ऐसे मुर्गे रोज मरते रहते। वोट मिलेगी तो पुलिस वाला सुरक्षा करेगा, वोट नहीं मिलेगी तो पुलिस वाला सुरक्षा नहीं करेगा।